सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल एक नई एनर्जी के साथ शुरू होता है, नई आशाएं, नई उमंगे, उत्साह, एक नए कमिटमेंट्स होते हैं, नए गोल सेट करते हैं हमारी लाइफ में और नए टारगेट्स बनाते हैं। यस सर। और हर साल हम कुछ ना कुछ नया या खुद ना कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, वो लास्ट दो साल से एक ही गोल सेट कर रहा था। वो ये गोल सेट कर रहा था कि इस साल मेरे को 10 kg वेट लॉस करना है। पिछले दो साल से कर रहा था लेकिन फेल हो गया था। इस साल भी उसने सेम गोल टारगेट किया कि इस साल भी मुझे यही करना है। तो मैं बहुत ध्यान से उसे ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या होने वाला है इस टाइम। तो वो इस टाइम 2-3 मोटिवेशन वीडियो देख लिए उन्होंने, तो बहुत ज्यादा पावर आ गया, एक्साइटमेंट लेवल आ गया कि नहीं, इस टाइम तो यार करूंगा ही करूंगा। सुबह उठ जाता था, जॉगिंग पे चला जाता था, एक्सरसाइज कर लेता था। मुझे लगता था कि नहीं, इस टाइम तो यार सचमुच ये करेगा ही, अपना गोल अचीव करेगा। 15-20 दिन गए, एक आध महीना गया, फिर धीरे धीरे उसकी एनर्जी लेवल और कॉन्फिडेंस कम होने लगा। और फिर वही डायलॉग उसने दोबारा मुझे कहा कि यार छोड़ ना यार, कौन ये सब करे यार, छोड़ ना, जैसे थे वैसे ठीक है, नहीं करना। लेकिन महत्व की बात यह है कि 3 साल पहले उसका जो वेट था और अभी है जो वेट, उसमें बहुत परिवर्तन आया। 3 साल पहले उसका वेट था 75 kg और अभी उसका वेट है 95 kg। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इस साल वो सेंचुरी मारेगा। सो फ्रेंड्स, होता ये है कि हम कितना भी मोटिवेशन वीडियो देख ले, कोई गोल सेट कर ले अपने लाइफ में, लेकिन एक टाइम आने के बाद हमारा मोटिवेशन लेवल और एक्साइटमेंट लेवल कम हो ही जाता है और हम सब कुछ वैसे ही करने लगते हैं जैसे हमारी आदतें होती है। यस और नो? आदतें हमारे सक्सेस और फेलियर के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आदत से ही पता चलता है कि ये आदमी सक्सेसफुल बनेगा या अनसक्सेसफुल। आदतों के बारे में आज मैं बताने आया हूं। कोई गैस कर सकता है कि ये टॉपिक किस रिलेटेड होगा? मतलब आदतें को आपको पता चल गई कि मैं आदतों के बारे में बताने वाला हूं, हैबिट्स के बारे में बता चल रहा हूं, लेकिन जो मेरा मेन टॉपिक है वो क्या होगा? थोड़ा नजदीक है आप। कौन सी? ब्रेकिंग हैबिट्स। और भी थोड़ा, हाँ, 7 habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दुनिया का सबसे बड़ा माने जाने वाला मैनेजमेंट बुक, कंसिडर टू बी द मोस्ट फेमस मैनेजमेंट बुक एवर रिटन, ये लिखा है एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु स्टीफन आर कवी ने। कुछ लोगों ने शायद इसे पढ़ा भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बुक जो है वो फॉर्च्यून 100 और फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज थे उसमें शायद ही कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव होगा जिन्होंने ये बुक का कोर्स ना किया हो। मतलब सभी ने इस बुक का कोर्स किया है। साथ में न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर में 60 हफ्ते तक ये बुक टॉप पे रही, ये बहुत ही बड़ी बात है। अमेरिका और यूरोप के जैसे देश में बिजनेस के जो स्कूल्स होते हैं वहां पे ये बुक उन्हें पढ़ाई जाती है। और सबसे महत्व की बात ये कि इस बुक को लिखने से पहले जो लेखक है स्टीफन, उन्होंने 3000 ऐसे सक्सेसफुल लोगों का संपर्क किया जो सिर्फ पैसा कमाने में या खुद का बिजनेस एक्सपांड करने में ही सक्षम नहीं थे, लेकिन जिंदगी के हर एक रोल में उन्होंने सफलता पाई है। सफलता का मतलब हम ये सोच लेते हैं कि सफलता मतलब अगर शायद कोई बहुत पैसा कमाए, फेम मिले, नेम मिले, जनरली ऐसा हमारा परसेप्शन होता है। लेकिन ये जो 3000 जितने भी सक्सेसफुल लोग थे वो अपने हर रोल में सक्सेसफुल थे, चाहे वो माता का हो, पिता का हो, भाई बहन, रिलेटिव, नेबर, कोई भी हो, एक्सवाइज, इन सब में इन्होंने बहुत सफलता का रोल प्ले किया था। सेकेंड थिंग, 3 साल लगे इस बुक को रिटर्न करने के लिए, राइट करने के लिए 3 साल लगे। 3 साल बाद सोच विचार करके इस बुक को लिखा है जिसका नाम है 7 habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मतलब ये जितने भी सक्सेसफुल लोगों का संपर्क किया, रिसर्च किया, उनमें ये 7 आदतें, ये जो 7 आदतें थी वो 7 आदतें सब में कॉमन पाई गई। 7 आदतों के बारे में सीखने से पहले, समझने से पहले 2 चीज है जो बहुत महत्व की है। पहला है कि हमारे पैराडाइम क्या है उसको जानना पड़ेगा। पैराडाइम ये है कि हम किस तरह हमारी दुनिया को देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। जिस तरह हम दुनिया को देखते हैं उस तरह महसूस करते हैं, और जिस तरह महसूस करते हैं उसी तरह हम समझते हैं और विश्लेषण भी करते हैं।
ये थोड़ा अलग है, हमने अपना स्वभाव देखा हुआ है कि हमारे व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, सबके बिलीफ्स अलग अलग होते हैं, लेकिन पैराडाइम थोड़ा अलग है। पैराडाइम में वो सारी बातें आ जाती है जिससे एक व्यक्ति का पूरा चरित्र डिफाइन हो सके। तो पैराडाइम को समझना पड़ेगा, खुद का पैराडाइम समझना पड़ेगा। कितने भी लोग होंगे, सबका पैराडाइम अलग अलग होगा, सब अलग दृष्टि से दुनिया को देखेंगे। साहब, किसी ने लाल चश्मा पहना होगा तो उसको दुनिया रेड नजर आएगी, मतलब लाल नजर आएगी। किसी ने ग्रीन चश्मा पहना होगा तो उसको दुनिया ग्रीन नजर आएगी। सच में दुनिया क्या है, लाल या ग्रीन है? नहीं है, दुनिया का खुद का एक रंग है। मतलब हम जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, सचमुच दुनिया वैसी नहीं होती, लेकिन हम खुद को डिफाइन करते हैं। हम जैसे हैं वैसे हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया जैसी है उस तरह हम खुद को नहीं देखते हैं। पैराडाइम के बारे में जानने के बाद हम दूसरी एक चीज देखेंगे कि पैराडाइम बनते कैसे हैं। उसकी जो तीन फैक्टर है वो भी समझना होगा। सबसे पहला है आनुवंशिक, मतलब जेनेटिक। ऐसा होता है कि हमारा स्वभाव ऐसा बन जाता है जैसे हमारे फादर, उनके भी फादर, या पीढ़ियों से अगर स्वभाव में कुछ चला आ रहा है तो वो हमारे में होगा। ये कह सकते हैं कि शायद मेरे फादर या उनके भी ग्रैंडफादर में गुस्सा बहुत है तो मेरे में भी गुस्सा आ जाता है थ्रू DNA, ऐसा कह सकते हैं। हमारा स्वभाव मम्मी या पापा पे या फिर हमारे ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर पे जाता है। तो एक ये है हमारा स्वभाव बनने का एक पैराडाइम। सेकेंड है साइकिक। साइकिक मतलब जिस तरह हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जिस तरह हमें कंडीशनिंग किया जाता है, वो प्रोग्राम हमारे अंदर फिट हो जाते हैं। हम सबके प्रोग्राम अलग अलग होंगे और वो प्रोग्राम के हिसाब से ही हम लाइफ में नोइंगली या अनोइंगली चलते हैं। तो ये है साइकिक। तीसरा है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल मतलब मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरी जीवन साथी ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे परिवार वाले ऐसे हैं। कई लोग खुद को इस तरह डिफाइन करते हैं कि मैं ऐसा बन गया हूं क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे हैं। यस और नो? यस। ऐसा हो जाता है। हम अपना स्वभाव दूसरों लोगों की वजह से, जो एनवायरमेंट में जो भी चीजें है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, उस हिसाब से खुद को ढाल देते हैं। हमारा खुद का जो स्वभाव होता है उसे भूल कर। तो ये तीन चीजें हैं, आनुवंशिक मतलब जेनेटिक, साइकिक, और ये लास्ट जो बताई मैंने एनवायरमेंटल। ये तीन चीजों से हमारा एक पैराडाइम बनता है। अब दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो पर्सनालिटी के हिसाब से जीते हैं, पर्सनालिटी एथिक्स, उसे हिंदी में कहा जाता है व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र। अब ये एक नई चीज है। व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र मतलब पिछले कई सालों से, 50-60 सालों से इसके ऊपर बहुत बुक लिखी। क्यों? क्योंकि लोगों को लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, कुछ भी तरीका अपना के लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। आप सब भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो? यस और नो? सब चाहते हैं। तो ये तरीका है कि अपने पर्सनालिटी एथिक्स के ऊपर चलो। पर्सनल एथिक्स क्या है? पर्सनालिटी एथिक्स ये बताता है कि आप कैसे सक्सेसफुल बनते हैं। जैसे कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में आप अपनी योग्यताओं को सुधार सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि आप अपनी सामाजिक छवि जो होती है, सोशल स्टेटस जिसे कहते हैं, उससे सुधार सकते हैं। फिर होती है योग्यताएं, अपनी स्किल्स, उसे सुधार कर, उसे डेवलप करके, उसको ग्रोथ करके, फिर आप सक्सेस के लिए उस दिशा में प्रयाण कर सकते हैं। इसमें लोगों को केंद्र में क्या होता है, सेंटर में, कि कोई भी चीज करते हैं उसमें सोशल उनका स्टेटस किस तरह रिप्रेजेंट होता है उसके बारे में सोचते रहते हैं कि मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अच्छा मैं ये करूंगा तो अच्छा सोचेंगे, ये करूंगा तो बुरा सोचेंगे। ये है पर्सनालिटी एथिक्स। इसमें अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है हमारी लाइफ में, कोई आफत आ जाती है लाइफ में, तो वो पर्सनालिटी एथिक्स पे चलने वाला जो इंसान होता है वो उसकी तकनीक इस तरह अपनाता है कि जैसे एस्पिरिन और बैंडेड, वो कुछ कुछ टाइम तक तो आपको वो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन वो टेम्पररी होगा। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए ये पर्सनैलिटी एथिक्स काम में नहीं आने वाला है। उसके लिए आपका पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर एथिक्स के लिए। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। पैराडाइम शिफ्ट करना ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम इस तरह ही स्क्रिप्ट करे गए हुए हैं हमारे
जितने भी फादर मदर या कोई भी रिलेटिव या जो भी हमारा एनवायरमेंट बना है उससे हम इस तरह स्क्रिप्ट करे हुए हैं। हमारे अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम डाला गया है कि इस तरह से लाइफ को जीना है, और हमें पता ही नहीं होता कि हम उसी हिसाब से जीते आ रहे हैं अभी तक। तो ये बात समझना खुद में ये एक बहुत महत्व की बात है। सेवन हैबिट्स को जानना, अपने में उतारना, उससे पहले ये चीज जानने बहुत जरूरी है। अच्छा, कैरेक्टर हैबिट्स क्या है? कैरेक्टर मतलब सत्यनिष्ठा, फिर आता है परिश्रम, सशक्ति, फिर संयम, वफादारी। ये जो चरित्र के गुण है हमने, हम सब में है, उसे डेवलप करना मतलब उसका ग्रो करना, मतलब कहीं ना कहीं अपने चरित्र में लाना। एक दो चीज है, या तो चरित्र से मैं अपने गुण का विकास करूंगा, या तो फिर ऐसा बताऊंगा कि मैं सिर्फ अच्छा इंसान हूं। मैं किसी को मिल रहा हूं तो मैं ऐसी छवि प्रेजेंट करूंगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, अच्छी बातें करूंगा, लेकिन वो ये नहीं जान पाएगा कि मैं सच में अच्छा हूं या नहीं। हम लोगों को रियलिटी क्या है, हम लोगों को जज करते हैं कि वो कैसा दिखता है, कैसा पहना है, उसके पास क्या है, कैसी गाड़ी लेके घूम रहा है। जनरली टीओटियंस ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बाहर की दुनिया इसी तरह से आपको, मुझे और सबको जज करती है। यस और नो? यस, इसी तरह जज करती है। क्यों? क्योंकि वो पर्सनैलिटी एथिक्स पे चल रहे हैं। पर्सनैलिटी पे एथिक्स पे चल के अगर आपने योग्यता है तो आप सक्सेसफुल बन भी जाओगे, लेकिन वो सक्सेस कायम ही नहीं टिक पाएगी। थोड़ा टाइम आने के बाद वो लोगों को दिख ही जाएगा कि ये आदमी चरित्र से कैसा है। सो हमें अगर सक्सेसफुल बनना है तो ऊपर ऊपर की कोई तकनीक नहीं उपानी है, जो नींव है वो नींव को मजबूत करना है। सो ये है कैरेक्टर पे जीना, कैरेक्टर पे अपना पैराडाइम शिफ्ट करना। सो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप में जो भी अच्छी और बुरी आदतें हैं उसमें से मुझे सिर्फ एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत मुझे बताएं, बहुत ही कम शब्दों में, और हो सके तो एक ही वाक्य में मुझे बताएं। अच्छी आदत, एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत, कम से कम शब्दों में। अच्छी आदत में डेडिकेशन, ओके, और बुरी आदत में चीजों पर टालना, कभी कभी बहुत टालती, प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके ओके। अच्छी आदत में नेवर गिव अप, ओके। बुरी आदत में लेजीनेस, अच्छी आदत में जे भी नक्की करूँ छू ये अचीव करूँ छू, अने बुरी आदत में टाइमली थोड़ुक टाइम मैनेजमेंट नहीं थतुं। સારી આદતમાં હું કોઈ પણ પરિસ્થિતિની સામે ફેસ કરું છું, અને બુરી આદતમાં શરીરને સાથ આપીને થાકી જઉં છું ત્યારે ગિવ અપ કરી દઉં છું। સારી આદતમાં હેલ્પફુલ, અને બેડ હેબિટ્સમાં ભૂલ જાના, પ્રોક્રાસ્ટિનેશન। ઓકે, સારી આદત સાચું બોલું, ઓકે, અને બુરી આદત હું જે માનું છું એક સાચું છે એમ એટલું બધું દ્રઢપણે માનું છું કે બીજાનો ઓપિનિયન જલ્દી સ્વીકારતો નથી। ઓકે, અચ્છી આદત મેં એસા મતલબ જો કામ સોતે હો મતલબ સારા પૂરા કરતે હૈ, ઓર બુરી આદત મેં યે હૈ કે બાદ મેં સોચ કે બતા દે। સારી આદત માં લોકો ને સમજવા અને હેલ્પ કરવી, અને ખરાબ આદત લેજી લેજી। અચ્છી આદત મેં પોઝિટિવ હું, હાર્ડ વર્કિંગ હું, ગિવ અપ કભી નહીં કરતી, પર ખરાબ આદત યે હૈ કે કભી કભી બડી સ્પોટ લે લેતી હું, આપસે ચલ કોઓપરેટિવ એન્ડ કાઇન્ડ નેચર અને સર્વપ્રત્યે। સારી આદતમાં કોઓપરેટિવ,
કોઓપરેટિવ અને હેલ્પફુલ થવું. ખરાબ આદતમાં જલ્દી એક્સાઇટમેન્ટ કાઢી દેવું પડશે. ઓકે, સત્ય નિષ્ઠા અને કોઓપરેટિવનેસ સારી આદતોમાં મારામાં સત્યતા વધારે હોય છે અને લેઝીનેસ ના કારણે થોડુંક વર્ક ઓછું કરી શકું છું. સારી હેબિટ્સમાં જે કામ વિચાર્યું હોય કરીને જ જોઉં છું અને બેડ હેબિટ્સમાં ગુસ્સો આવી જાય છે અને લેઝીનેસ. સારી હેબિટ ઇઝ કે આઈ એમ ડિટરમાઇન્ડ ટુ માય ગોલ અને ખરાબ છે કે આઈ એમ અ ઓવરથિંકર. ઓકે, ગુડ હેબિટ્સમાં હેલ્પફુલ અને બેડ હેબિટ્સમાં એંગર. સારી હેબિટમાં કન્સિસ્ટન્સી અને બેડ હેબિટમાં પ્રોક્રાસ્ટિનેશન. સારી આદતમાં મને હંમેશા એક્ટિવ રહેવું ગમે છે અને ખરાબમાં ટાઈમ મેનેજમેન્ટ. બેડ હેબિટમાં લેઝીનેસ. ઓકે, મેં સારી આદતમાં કોઈ સાથે ગમે તેટલું મારે સંબંધ બગડ્યો નહીં પણ હું બહુ લાંબો ટાઈમ ઝઘડો ચલાવું નહીં, નોર્મલ થઈને ફ્રેન્ડથી પાછી ફૂટવા માંડું. ઓકે, ગુડ, સો થેન્ક યુ ફોર શેરિંગ. બધા એક વખત પોતાના માટે થોડી પહેલા વ્યક્તિ બેઠા છે. ઓકે ઓકે, હમારી આદત પૂછે તો આપ ભી બતાઈએ, ક્યુંકિ બાત દો તરહ કી હૈ, એક પોઝિટિવ ઓર એક નેગેટિવ, તો આપકી ભી જાની જરૂરી હૈ. લેકિન સો અભી યહાં પે યે એપ્રોપ્રિએટ નહીં હૈ, લેકિન મેં બાદ મેં આપકો પક્કા બતાઉંગા. સો હમ હમારી હેબિટ્સ કે ઓર જાતે હૈ. સબસે પહેલી હેબિટ હૈ પ્રોએક્ટિવ રહેના. आपके घर में आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि आप खुश है जहां पे आप काम कर रहे हो, मतलब जहां पे आपका प्रोफेशन है या किसी सेवा संस्था कहीं में भी आपने एक अच्छा विचार प्रकट किया, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन सर्वानुमति से वो विचार या वो प्रोजेक्ट वो सर्वानुमति से अनुमति नहीं दी गई, मतलब और किसी दूसरे को विचार को जो आपको लग रहा है कि ये इससे मेरा विचार तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसे अनुमति दी गई सर्वसम्मति से, तो क्या आप उतने ही एक्साइटमेंट लेवल से उतने ही एनर्जी के साथ उस प्रोजेक्ट में जुड़ जाओगे, जुड़ पाओगे या नहीं जुड़ पाओगे? यस और नो? नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि हम प्रोएक्टिव नहीं है, हम रिएक्टिव है. मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई सेटबैक आ जाता है, कोई फेलियर, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन का वहां पे भी आप स्थित रह सकते हो. एक एग्जांपल याद आता है मुझे, वो मैं कहना चाहूंगा कि थॉमस अल्वा एडिसन, सबने नाम सुना होगा. थॉमस अल्वा एडिसन की लाइफ में एक बहुत बड़ी परिस्थिति उद्भव हो गई. वो रिसर्च कर रहे थे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पे, और ऐसा हुआ कि वो फैक्ट्री से घर पे आ रहे थे, और घर पे आने के बाद उनको पता चला कि उनकी जो फैक्ट्री है उसमें आग लग गई है. वो अपने वाइफ को और अपने बच्चे को लेके फैक्ट्री पे जाते हैं. फैक्ट्री पे देखते हैं तो पूरी फैक्ट्री जल गई है, उनका जितना भी डेटा था सब कुछ जल गया है. तो उनकी वाइफ ने ये देख के उनका रिएक्शन बहुत ही, कोई भी हो उनका रिएक्शन बहुत ही लाउड होगा. तो उनकी वाइफ ने ये सब देखा, पता था कि बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो वो रोने लगी, हड़बड़ाने लगी, और इतना हो गया था इमोशन लेवल हाई कि वो बेहोश भी हो गई. लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन एकदम शांति से खड़े थे, उन्होंने ऊपर देखा और बोला कि थैंक यू गॉड, आपने मेरी सारी गलतियां जला दी,
आपने मेरी सारी गलतियां जला दी, आई विल कम बैक टुमारो एट 10 एंड स्टार्ट अफ्रेश। ये एटीट्यूड मतलब परिस्थिति में स्थिर रहना। भगवत गीता अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसमें लिखा है स्थित प्रज्ञ रहना। भगवान ने कहा है कि मुझे मेरे वो भक्त सबसे प्रिय है जो स्थित प्रज्ञ है, मतलब हर एक परिस्थिति में ना ज्यादा रिएक्टिव देना, मतलब ना पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्ट करना, मतलब स्थित रहना, स्थिर रखना, अपने मन को स्थिर रख के काम करना। तो स्थित प्रज्ञा के आप रह सकते हैं, मतलब ये है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव बीच के, मतलब जो भी इंसान होते हैं रिएक्टिव और प्रोएक्टिव के बीच का जो डिफरेंस है वो ये है कि जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो रिएक्टिव लोग हमेशा फोकस करते हैं उनकी चिंताओं पे, हमेशा फोकस करते हैं कि इसके कारण मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, उसके कारण मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं आगे बढ़ सकता हूं क्योंकि मेरा बॉस ऐसा है, मेरे कलीग्स ऐसे हैं, या मेरा स्टाफ ऐसा है, या मेरा जीवन साथी ऐसा है, या ग्रह नक्षत्रों तक हम पहुंच जाते हैं कि इनके कारण हम बराबर नहीं चल सकते हैं। ये हमारे मेंटालिटी में एक प्रोग्राम की तरह अंदर घुस गया है। उसे हमने डेटा हमने अक्वायर नहीं किया, लेकिन ये अंदर घुस गया है क्योंकि एक मेंटालिटी ऐसे बन गई है, एक बिलीफ ऐसा बन गया है। तो हम रिएक्टिव लोगों के बीच में रह के खुद को भी रिएक्टिव तरह ही हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव लोगों की तरह। सो प्रोएक्टिव बनना मतलब क्या? प्रोएक्टिव बनना मतलब आपके पास कोई भी परिस्थिति आती है उसमें आपके पास फ्रीडम होती है कि क्या आउटकम आपको देना है, क्या रिएक्ट करना है। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप की फ्रीडम होती है जिसका उपयोग करके हम रिएक्ट कर सकते हैं। जब भी कोई भी परिस्थिति उद्भव होती है और उसके सामने हम जो भी आउटकम देना चाहते हैं तो उसके पहले सबसे पहली बात होती है आत्म जागरूकता, मतलब सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता क्या है? हमारे जो विचार है वो हम नहीं है, हमारा जो मूड है वो भी हम नहीं है, और हमारा स्वभाव जो है वो भी हम नहीं है। हम ये सारी चीजों को देख सकते हैं कि हम किस तरह सोच रहे हैं, हम किस तरह बिहेव कर रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, हम किस तरह सोच रहे हैं, ये सब कुछ हम देख सकते हैं। ये है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। फिर आता है विवेक। विवेक मतलब सही और गलत के बीच का फर्क, जिससे पता चलता है कि सही क्या है गलत क्या है। फिर आता है कल्पना। कल्पना शक्ति मतलब अभी जो परिस्थिति है वास्तविक परिस्थिति से परे जाके कल्पना लोक में जाके आप विचार कर सकते हैं, ये योग्य क्षमता, उसे कल्पना शक्ति कहा जाता है। और अंत में है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब आत्म जागरूकता, विवेक और कल्पना शक्ति का उपयोग करके आप देखोगे कि मुझे क्या रिएक्ट करना है, वो है आत्मनिर्भरता। सो ये 4 चीजें हमारे पास है जिसे हमें रिएक्ट करना है। प्रोएक्टिव इंसान ये सब कुछ सोचने के बाद रिएक्ट करते हैं कि मुझे क्या रिएक्ट करना है। जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह हम कार्य करते हैं, जिस तरह बार बार कार्य करते हैं उसी तरह हमारी आदत बन जाती है, और वही आदत हमारे चरित्र का निर्माण करती है, और वही चरित्र बाद में आगे जाके हमारी नियति को डिसाइड करता है कि ये आदमी जिंदगी में क्या बनेगा या इसकी नियति क्या होगी। मतलब हम जिस तरह का सोचते हैं कार्य करते हैं उस तरीके से हमारी आदत बनती है, और वही आदत हमारे चरित्र का निर्माण करती है। सो आगे जाएंगे। ये था प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग हमेशा अपने सेंटर पे ध्यान देते हैं, जहां पे वो कुछ कर सकते हैं, उस सेंटर पे नहीं काम कर सकते, उस सेंटर पे नहीं सोचते हैं कि जहां पे चिंता है, जहां पे वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ बदलाव नहीं ला सकते, और ब्लेम करते रहते हैं। सो ये प्रोएक्टिव और एक्टिव, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के बीच का डिफरेंट पता चला। एक रेस्टोरेंट था, एक रेस्टोरेंट में एक महिला के हाथ के ऊपर एक कॉकरोच आ गया। कॉकरोच आने के बाद उस महिला का ये रिएक्शन था, वो जोर से चिल्लाने लगी, आवाज करने लगी, इधर से उधर दौड़ने लगी, लेकिन वो कॉकरोच वहां पे ही था। फिर बाद में वो कॉकरोच उड़ के किसी दूसरे महिला के ऊपर बैठ गया, सेम उसने यही रिएक्ट किया। फिर वो कॉकरोच उड़ के एक वेटर के ऊपर बैठ गया, तो वेटर ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना हड़बड़ाहट की, ना चिल्लाने लगा, कुछ नहीं। उसने ध्यान से देखा कॉकरोच क्या कर रहा है। जब उसे ये कॉन्फिडेंट आ गया कि अब कॉकरोच को मैं बाहर लेके जा सकता हूं, वो कॉकरोच को एकदम शांति से रेस्टोरेंट के बाहर लेके गया और उसे रख दिया। तो आपको पता चले इसमें रिएक्टिव इंसान कौन था और प्रोएक्टिव इंसान कौन था।
प्रोएक्टिव चुनता है कि मुझे क्या करना है, वो हड़बड़ाहट से काम नहीं करता, बहुत शांति से, धीरज से, धैर्य से काम करता है। ये है चारित्रिक गुण। वो जो था वो पर्सनालिटी एथिक्स पे वो लोग काम करते हैं। ये है चारित्रिक गुण, मतलब जो पैराडाइम हमें शिफ्ट करना है वो यहाँ पे करना है। तो ये फर्स्ट आदत थी। सेकेंड आदत, स्टार्ट और बिगिन विथ एंड इन माइंड, मतलब अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना मतलब क्या, आपने अपने लाइफ में एक गोल सेट किया होगा कि मुझे लाइफ में इसको अचीव करना है, ये बनना है या कुछ हासिल करना है। यस और नो? यस और नो? यस। सब नहीं अचीव, मतलब सब ने ये सोचा होगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो अचीव करना है। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना मतलब अभी आप जो भी कुछ कर रहे हो क्या आपको उस दिशा में लेके जाएगा वो जो आप सच में अचीव करना चाहते हैं। सोचिए कि आप एक फ्यूनरल में गए हो, या हमारे वहां शोक सभा होती है तो शोक सभा में गए हो, जहां आपके परिवारजन, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके स्टाफ के मेंबर सब वहां पे मौजूद है, सब वहां पे उपस्थित है। सब लोग आपके लिए कुछ ना कुछ कहने वाले हैं कि ये व्यक्ति मेरे हिसाब से ऐसा था, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो आप क्या चाहते हैं कि आप जितने भी रोल अभी निभा रहे हो वो व्यक्ति, वो संबंध वाले लोग आपके लिए क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति कैसा था। जैसे मैं किसी का भाई हूं तो मैं सोचूंगा कि मेरी बहन मेरे लिए क्या कहेगी, कि मैं क्या सपोर्टिव था, नहीं था, मैंने उसे हर कदम पे उसका साथ दिया, नहीं था। तो ये है कि मैं एक भाई की तरह, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी बहन इस तरह का मुझे कहे, मुझे मतलब एक्सप्रेस करे, मेरी इंप्रेशन ये बने। तो क्या उस तरीके से मैं व्यवहार कर रहा हूं अभी, ये सोचना बहुत जरूरी है। आप अगर चाहे कि मेरे माता पिता मेरे बारे में ऐसा कहे, तो क्या अभी उस तरीके का व्यवहार आप अपने मम्मी पापा के साथ कर रहे हो या अपने बेटे के साथ कर रहे हो। अंत में ध्यान रखकर शुरू करना मतलब आप, आपका लक्ष्य जो भी हो, मतलब आप जितने भी आपके लोगों के साथ आपके संबंध है वो लोग आपके बारे में जो सोचे उस तरीके का व्यवहार करें आप। इसे कहते हैं बिगन विथ एंड इन माइंड। हम लोग ना अपने एक सेंटर बना लेते हैं और उसी तरीके से काम करते हैं। सेंटर मतलब बहुत अलग अलग टाइप के सेंटर होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ होते हैं जो सिर्फ अपने लाइफ में धन का केंद्र लेके बैठे हैं, मतलब कोई भी काम करना है तो पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, पैसे के ऊपर उनका ज्यादा फोकस होता है, उनके डिसीजन भी पैसे के हिसाब से बदलते हैं। कुछ लोगों का जीवन साथी के ऊपर केंद्रित होता है, कुछ लोगों का प्लेजर सीकिंग होता है, मतलब आनंद कहाँ से मिल रहा है, आनंद का केंद्र होता है। कुछ लोगों का होता है कि कार्य को केंद्रित बना लेते हैं, मतलब मुझे मेरे काम को आगे बढ़ाना है, कार्य में योग्यताएं बढ़ानी है मुझे। कुछ लोगों का होता है जो मित्र केंद्रित होते हैं, मतलब हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं उस हिस्सा में जाएंगे, जैसी संगत वैसी रंगत। कुछ होते हैं जो शत्रु केंद्रित होते हैं और कुछ होते हैं जो आत्मा केंद्रित होते हैं। अब मान लीजिए कि आपने आज प्लान बना लिया है अपने परिवार के साथ ड्रामा देखने जाना, मतलब आप, आपका, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड है और आपके परिवार के लोग हैं, उनके साथ आज आप रात को ड्रामा देखने जाने वाले हैं और आपने टिकट भी बुक करवा ली है। अब रात को जैसे ही आप ऑफिस से घर पे जाते हो 10-15 मिनट में आपको जाना है, मतलब खाना पीना खा के वो सब समाप्त करके 15 मिनट में ड्रामा देखने पहुंचना है। अभी सडनली 10-15 मिनट के बाद आपका बॉस आपको बुलाता है और ये कहता है कि कल हमारे, मतलब हमारा जो कंपनी है हमारी, उसकी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो उसकी डिस्कशन के लिए आपको आज घर पे यहाँ पे ऑफिस में रुकना पड़ेगा। तो अभी अगर आप धन केंद्रित होंगे, अगर आपका सेंटर, तो आप बोलोगे कि ड्रामा देखने तो बाद में भी जा सकता हूं या जा सकती हूं, लेकिन अभी यहाँ पे तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि मैं ओवर टाइम करूंगा तो मैं रुक जाता हूं। कोई जीवन साथी केंद्रित होगा तो वो ये सोचेगा कि नहीं, मेरी वाइफ के साथ मुझे जाना है, उसे बाहर लेके जाना है, घूमने लेके जाना है, तो मैं यही करूंगा, मैं तो यहाँ पे नहीं रुकने वाला। अगर कोई मित्र केंद्रित होगा तो ये कहेगा कि मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं वहां पे, क्या वो वहां पे रुक रहे हैं, अगर रुक रहे हैं तो मैं भी रुकूंगा, अगर नहीं रुक रहे हैं तो मैं भी नहीं रुकूंगा। शत्रु केंद्रित मतलब आप ये सोचोगे कि मेरा जो कॉम्पिटिटर्स है, मतलब कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव जो आप ही के क्षेत्र में, आप ही के पोजिशन पे, आप ही के लेवल पे है, वो क्या कर रहा है,
अगर वो घर पे जाएगा तो मैं यहाँ पे रुकूंगा, क्योंकि बॉस की नजरों में मैं उससे ऊपर आ जाऊंगा, आप ये सोचोगे। अगर वो यहाँ पे रह रहे तो मुझे उससे भी अच्छा करना पड़ेगा ताकि बॉस की नजरों में उससे ज्यादा मुझे मान मिले। सबका सेंटर देख रहे हो आप, ऐसे आपका भी और मेरा भी कोई ना कोई सेंटर होता है, उसी तरह हम चल रहे हैं क्योंकि ये प्रोग्रामिंग की हुई है। हम ऐसी मेंटालिटी के साथ जीते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। कुछ होते हैं जो आनंद केंद्रित होते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि आनंद वहां से आने वाला है ड्रामा देखने में, यहाँ पे रहने से तो दिमाग चलाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई आनंद मिलने वाला नहीं है तो छोड़ दो, जाने दो, मैं तो वहां पे जाने वाला हूँ। आत्मा केंद्रित लोग क्या करेंगे, वो सब परिस्थिति को देखेंगे और फिर जहां से ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा होगा उसको पसंद कर लेंगे। लेकिन ये सारी बातें सिद्धांत और पैराडाइम के हिसाब से गलत है, इस तरह कैसे नहीं जीना चाहिए। सिद्धांत के हिसाब से जीना मतलब आप आवश्यकताओं के बारे में विचारते हैं, वास्तविकताओं को पूरी तरह देखते हैं कि अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, क्या कंपनी में अभी मेरी जरूरत ज्यादा है वहां से यहाँ पे ज्यादा, तो मैं यहाँ पे रुकूंगा। समझ पा रहे हो क्या? तो आप वहां पे रुकते हैं उसका एक कारण ये है कि कंपनी को आपकी ज्यादा जरूरत है इसलिए रुक रहे हैं, और एक कारण ये भी है दूसरा कि किसी दूसरों की नजरों में मैं ऊपर उठ जाऊ इसलिए मैं यहाँ पे रुकूंगा। दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख पा रहे हो, दोनों के बीच का, क्योंकि उसके सेंटर में कुछ अलग था, उसके जीवन मूल्य कुछ अलग थे, उसके बिलीफ्स कुछ अलग थे और इसके अलग है। ये आदमी भी सक्सेसफुल बनना चाह रहा है, वो आदमी भी सक्सेसफुल ही बनना चाह रहा है, लेकिन दोनों के केंद्र में कुछ अलग अलग है। सो बिगन विथ एंड इन योर माइंड का मतलब ये है कि आप जहां भी कहीं पहुंचना चाह रहे हो उसकी शुरुआत कर लो कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं और मेरे सेंटर में क्या है। अगर सेंटर में कोई गलत चीज है तो वहां से खुद के पैराडाइम को शिफ्ट कर लो और कुछ ऐसा करो, मतलब सिद्धांत के हिसाब से चलो जहां पे आपको सच में सफलता की सीढ़ी नजर आए। अगर आपको पता है कि आपको यहाँ पे एक सीढ़ी है और यहाँ से सीढ़ी इतनी लंबी है कि आपको फटाफट से चढ़ना है, तो आपके पास जितनी शक्ति होगी आप चढ़ते जाओगे कि मैं फटाफट से इसको ऊपर टॉप पे पहुंच जाऊं। लेकिन क्या होगा, आपको पता ही नहीं कि इस दीवार पे आगे चलना है, इस दीवार पे आगे चढ़ना है या इस दीवार पे। अगर दीवार ही गलत है तो कितना भी आगे जाओगे कहीं के नहीं पहुंच पाओगे। पैराडाइम भी इसी टाइप के होते हैं जो हमारे अंदर नक्शों की तरह बैठे हुए हैं। अगर नक्शा ही गलत है तो आप कहां से डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे। सो बिगन विथ एंड इन योर माइंड, ये आदत ऐसा कहती है। थर्ड हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने कार्य से डिस्ट्रैक्ट होके बेवजह इंस्टा और एफबी की फीड चेक करते रहते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं, इंस्टा एफबी की फीड चेक करते रहते हैं, अभी इससे कुछ नहीं मिला टीवी देखते रहो। कितने लोग करते हैं सच में, टीवी देखने लगते हैं। अभी टीओटीएंस बन गए तो बहुत अच्छी तरह से खुद की हैबिट्स चेंज कर ली होगी, लेकिन पहले हम ऐसा करते थे, डिस्ट्रैक्ट होके इंस्टा एफबी की फीड चेक करना, व्हाट्सएप देखना, टीवी देखना, और कुछ ना मिले तो ऐसे ही विचार करते रहना। ऐसा होता है, विचार करते रहना और टाइम की बर्बादी करना, ये एक एवरेज इंसान करता है। जो लोग सक्सेसफुल बनते हैं उन्हें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपने टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि टाइम को किस तरह मैनेजमेंट करना। उसके अंदर एक क्वाड्रेंट है जिसमें आवश्यकताएं आवश्यकताएं के कार्य नहीं है, महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, उसके हिसाब से किस तरह चलना वो आपको पता होगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना मतलब पहली जो आदत है और दूसरी जो आदत है वो ये कहती है कि आप प्रोग्रामर है, आप खुद के प्रोग्राम को बदल सकते हैं। ये पहली आदत कहती है, आपको जो प्रोग्राम मिला है कंप्यूटर के पास, आपको जो प्रोग्राम मिला है उसे आप बदल सकते हो। दूसरी आदत ये कहती है कि आपको जो प्रोग्राम मिला है उसे बदलने के बाद आप खुद का प्रोग्राम लिख सकते हो। दूसरी आदत कहती है आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हो। और तीसरी आदत ये कहती है कि आपको जो भी प्रोग्राम अभी आपने लिखा है उसे वास्तविकताओं में अभी कैसे बदलना है, मतलब भौतिक रूपांतरण कैसे करना है। ये तीसरी आदत बताती है कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो भी काम आपको पहले करना है वो करें। आपने एक मिशन स्टेटमेंट अगर किसी ने तैयार किया हो तो हाथ ऊपर करके। मिशन स्टेटमेंट मतलब मुझे लाइफ में क्या करना है उसकी एक ब्लूप्रिंट। किसी ने बनाया है ऐसा कुछ, हाँ गोल सेटिंग भी कह सकते हैं। किसी ने ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि मुझे लाइफ में ये करना है वो करना है, किया है गोल सेटिंग सबने किया है।
अभी गोल सेटिंग से थोड़ा डिफरेंट है मिशन स्टेटमेंट. मिशन स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपके जितने भी रोल होते हैं, मम्मी का, पापा का, भाई, बहन, बच्चे, जो भी रोल हो, उस रोल के सामने आप अपना गोल लिख दे कि मुझे इस रोल के सामने मुझे ये करना है. मेरे और मेरी बहन के अगर संबंध अच्छा नहीं है तो मुझे इस तरह के संबंध बनाने हैं. मेरे और मम्मी, मेरे मम्मी पापा के बीच में अगर संबंध अच्छे नहीं है तो मुझे ये करना है. मतलब सिर्फ गोल को अचीव ना करना, जो आप एक ही चीज चाह रहे हैं पूरी लाइफ में, अपने हर एक गोल. मैं अगर बिजनेसमैन हूं तो मुझे ये चीज अचीव करनी है मेरी कंपनी में. अगर मैं किसी जगह जॉब कर रहा हूं तो मुझे ये लेवल अचीव. मतलब जितने भी रोल है उसके सामने मिशन स्टेटमेंट में ये लिखना है कि मुझे क्या अचीव करना है, और टाइम मैनेजमेंट करना कि अभी मेरे पास जो वीक है उसमें मैं मेरा टाइम किस तरह स्पेंड कर रहा हूँ हर एक चीजों में. ऐसा कोई जगह, कोई टाइम आप मत बेवजह फिजूल में वेस्ट करना जो आपको इनमें से कोई भी जगह नहीं लेके जा सकता. ये तीसरी आदत कहती है. ये तीन आदतों से आप आत्मनिर्भर बन सकते हो. हम पहले निर्भर होते हैं, फिर आत्मनिर्भर होते हैं, और उसके बाद हम परस्पर निर्भर हो सकते हैं. ये तीन आदत कहती है कि व्यक्तिगत विजय सार्वजनिक विजय से पहले आते हैं. मतलब खुद का पहले खुद के बारे में सोचना, खुद को आपको निर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, उसके बाद में ही आप मतलब परस्पर निर्भर बन सकते हो. अभी चौथी, पांचवी और छठी आदत, उसके बारे में जानने से पहले हमें दूसरे पैराडाइम को भी, दूसरे सिद्धांतों को भी समझना होगा. ये जो तीन आदतें थी वो आपकी आपके पास थी. अभी जो बाकी की तीन आदत है वो व्यक्तिगत विजय नहीं है, सार्वजनिक विजय है, जो बताएगी कि आपके लक्ष्य को लोगों के साथ में रहकर चलना, किस तरह चल सकते हो, किस तरह सार्वजनिक विजय पा सकते हो. तो उसके लिए सबसे पहली चीज, ये सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जितने भी रिलेशन होते हैं उनके बीच में हमारे एक भावनात्मक बैंक अकाउंट होता है, जिसे हम कहते हैं कि वहां पैसा नहीं जाता लेकिन वहां पे विश्वास और हमारी चरित्र की नींव होती है, जिसके आधार पर हमारा और उनका एक रिलेशन बनता है. जितना विश्वास मेरे और मेरे रिलेशन के साथ में, जो भी रिलेटिव होगा उसके साथ में अच्छा होगा, उतना ही मेरा जो बैंक अकाउंट है वो ज्यादा मजबूत होगा. अगर मैं बार बार विड्रॉल करूं बिना बात पे उनसे झगड़े होते हो या हमारा विश्वास टूटता हो तो फिर वो संबंध कमजोर हो जाएगा. ये आदतों, बाकी की आदतों को सीखने से पहले ये चीज बहुत जरूरी है कि हमारा जो भावनात्मक बैंक अकाउंट है वो एकदम मजबूत रहे. आपका, आपके मम्मी, पापा, भाई, बहन, सबके पास एक भावनात्मक बैंक अकाउंट है. आप कभी बार विड्रॉल भी करते हैं, कभी बार उसमें कुछ डालते भी रहते हैं, मतलब विश्वास भी पैदा करते हैं. तो सबसे पहला सिद्धांत ये है. दूसरा है कि छोटी छोटी बातों को समझे. तीसरा ये है कि व्यक्ति को समझने की कोशिश करे. चौथा है कि आपकी और उनकी अपेक्षाओं को पहले से ही स्पष्ट कर दे कि मेरी अपेक्षा आपसे ये है, आपकी अपेक्षा मुझसे ये है. तो अपेक्षाओं को स्पष्ट कर दे. ये जो सिद्धांत है उसके बेस पे ही हम आगे के जो भी हैबिट्स है उसे सीख पाएंगे. सो नेक्स्ट हैबिट वो कहती है थिंक विन विन. थिंक विन विन, कोई बता पाएगा थिंक विन विन मतलब क्या? आप भी जीते, मैं भी जीतू. आप भी व्यापार करें, मैं भी करूंगा. आप भी पैसा कमाएं, मैं भी कमाऊंगा. लेकिन विन विन के बहुत ही अलग अलग टाइप के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं. जैसे एक है विन विन, दूसरा होता है विन लूज, मैं जीतू और आप हारे. तीसरा होता है लूज विन, मतलब मैं हार जाता हूं आप जीत जाओ. चौथा होता है लूज लूज, मतलब अगर मैं हार गया तो मैं आपको भी हरा दूंगा, मैं हारूंगा तो कोई बात नहीं आपको भी लेके डूबूंगा. लूज लूज. फिर आता है सिर्फ विन, मुझे सिर्फ मेरी ही पड़ी है, मैं जीतना चाहूं, मैं मतलब किसी भी हाल में मुझे जीतना है, आपका जो भी हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. ये कहता है सिर्फ विन. और सबसे लास्ट आता है विन विन और नो रिलेशन, मतलब अगर हमारे जीवन मूल्य, अगर हमारे उद्देश्य और अगर हमारी दिशाएं एक जगह पे सेम नहीं आ रही है, किसी जगह पे हम अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हमें इनमें से और कोई भी जगह नहीं जाना है, हमें कोई रिलेशन नहीं रखना है. मतलब हम कोई सौदा नहीं करेंगे या हम किसी तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे. जनरली बहुत सारी कंपनीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट इस बेस पे भी होता है कि
हमें अगर हमारे दोनों के जीवन मूल्य अलग है, एथिक्स अलग है, तो कोई बात नहीं, हमें सौदा नहीं करना है। अब इन सब में से सबसे अच्छा कौन सा वाला है? सब लोग यही कहेंगे कि विन विन सबसे इजी है। सोच लो कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान की मैच देख रहे हो, अगर आप इंडिया पाकिस्तान की मैच देख रहे हो तो क्या इस पे आप जा सकते हो आगे? नहीं जा सकते। तो अब सबसे अच्छा कौन सा है? आप कहिए कि विन लूज। अब समझ लो कि आपका आपके घर में किसी एक लोगों के साथ झगड़ा हो गया, शायद आपका मम्मी पापा बच्चे कोई भी, और वो झगड़ा इतने हाइट्स तक पहुंच गया कि आपका संबंध अभी टूट सकता है, इतने हद तक पहुंच गया, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि अब हो सकता है कि बात में कुछ दम नहीं था, लेकिन बस अभी ईगो पे बात आ गई, अब मैं सच्चा था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहेगा नहीं मैं सच्चा हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुझे माफी मांगनी चाहिए। तो अभी इसी हाल में झगड़े बढ़ते गए, और मैं याद कर रहा हूं कि पिछली तुमने क्या गलती की थी, वो मुझे याद दिला रहे कि लास्ट टाइम तुमने क्या गलती की थी, और इसी पे अभी झगड़ा चालू है। अभी आप क्या सोचोगे? मुझे जीतना है तो हर हाल में सबन टूटे कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो जीतना ही है। क्या इस पे आप जाओगे? तो किस पे जाओगे? नहीं, लूज विन पे जाओगे। मतलब मैं हार जाता हूं, मुझे सबन की ज्यादा पड़ी है, भले ही आप जीत जाओ, मतलब जीते तो आप ही हो, क्योंकि आपने सबन को बचाया है, आपने सबन को जीता है। सो रिलेशन में किस तरह विन विन किया जाता है वो भी आप सोचो। मतलब परिस्थिति की सटीकताओं को समझ के फिर निर्णय लेना, यह है थिंक विन विन। थिंक विन विन हमेशा आपको नहीं जिताएगा, कभी ऐसा भी होगा कि परिस्थिति ऐसी होगी जहां पे आप नहीं जीत सकते, तो कोई बात नहीं, आप कहेंगे कि मुझे कोई सौदा नहीं करना है, मुझे रिलेशन नहीं मेंटेन करना है, झगड़ा हो आगे जाके मंदुक हो उससे अच्छा है कि कुछ नहीं करना है। तो इन सब में से किसी एक को पसंद करना ये सिद्धांत केंद्रित नहीं है पैराडाइम। सिद्धांत केंद्रित पैराडाइम ये है कि जो भी परिस्थिति है उसमें से सबसे सर्वोत्तम चीज क्या है वो देखना। हम यथा दृष्टि तथा सृष्टि के हिसाब से चलते हैं, मतलब दुनिया जैसी है उस तरीके से हम नहीं देखते, हम जैसे उस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं। इसको हमें ट्रांसफर करना है, पैराडाइम शिफ्ट करना है, और खुद को सिद्धांत केंद्रित बनाना है, थिंक विन विन। उसके बाद की जो नेक्स्ट हैबिट है सिक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम क्या करते हैं, पहले तू मेरा सुन, मैं क्या कह रहा हूं तू मेरा सुन, मैं तेरी बात समझ गया हूं, अब मुझे पता चल गया है तू क्या कहना चाह रहा है, अब मेरी बात सुन मैं क्या कह रहा हूं। करते हैं या नहीं करते हम लोग? सामने वाले की बातें सुनते ही नहीं है, अगर सुन भी लिए तो वैसे समझने के लिए कि हाँ मुझे पता चल गया, और फिर हमारी खुद की आत्मकथा के हिसाब से हम चलते रहते हैं। ये भी स्क्रिप्ट हमारे अंदर आ गई है, हम आत्म जागरूकता के साथ इस चीज को देख सकते हैं कि ये चीज हम में है और उसे चेंज भी कर सकते हैं। इसको किस तरह चेंज करना है? चार स्तर होते हैं सुनने के, आपने लिसनिंग स्किल पढ़ी होगी तो आपको शायद पता होगा, चार स्तर होते हैं सुनने के। फर्स्ट होता है कि हम किसी को सुने ही ना, कुछ लोगों की अगर नींद आ रही हो तो वो सुनेंगे ही नहीं, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, मतलब कुछ नहीं सुनना है, अवॉइड करेंगे पूरी सिचुएशन को, वो फर्स्ट होती है। दूसरी होती है कि मैं नकल कर रहा हूं सुनने की, झूठ मूठ का, हाँ बराबर अच्छा है मुझे पता चल गया, होता है या नहीं होता? कहीं हम टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं होते तो हाँ 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 बराबर है अच्छा अच्छा यही करते हैं ना, मतलब सिर्फ नकल करना, ये सेकंड स्तर है सुनने का। तीसरा है जो भी कुछ सामने वाला बोल रहा है उसमें से कुछ शब्द सुनना, मतलब थोड़ा कुछ सुनना, अक्सर ये बच्चों के साथ होता है, बच्चे बहुत कुछ बोल करते रहते हैं तो हम थोड़ा कुछ ही सुनते हैं जो उसका एक्सट्रैक होता है, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है वही सुनना है, सब कुछ नहीं सुनना है, ये तीसरा। चौथा होता है कि हम ध्यान पूर्वक किसी को सुने, मतलब वो उसके शब्दों पे हमारी शक्ति को टाल के फोकस करके वो जो कहना चाह रहा है वो सुने। तब इन चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा है? चौथे वाला। लेकिन इन चारों में से बेस्ट एक्चुअली कोई भी नहीं है, सबसे बेस्ट है एम्पैथिक लिसनिंग, मतलब सामने वाले को सिर्फ सुनना और समझना नहीं,
सामने वाले को, सामने वाला जो भी कुछ कह रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को सुनना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके तरीके से उसका पैराडाइम क्या है, उसके लिए दुनिया किस तरह की है, उस तरीके से खुद को वहां पे रखना और महसूस करना, फील करना। आप फील कर सकते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। इसे कहते हैं एम्पैथिक लिसनिंग। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड का मतलब यही है कि अगर आप सामने वाले के साथ इस तरीके से व्यवहार करेंगे जैसा वो है तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर इस तरीके का व्यवहार करे जैसा कि उसे होना चाहिए तो वो सच में बहुत कुछ बदल सकता है। तो सबसे पहले सामने वाले को समझे। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सामने वाले को बहुत ध्यान से सुन लेते हैं, उनके पैराडाइम के हिसाब से सुनते हैं और फिर कुछ कहते हैं। तो सेकेंड पार्ट इसका ये है कि किस तरह खुद को प्रेजेंट करना। मतलब अभी अगर मुझे किसी के साथ कुछ कहना है, उनको कुछ समझाना है, तो हम रिएक्टिव मूड में क्या होता है, कह देते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और क्या होता है, वो बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं सुनना या आपकी बात सही नहीं लग रही है। ये बार बार होता होगा और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उनके उनके प्रति, हमारे ये मेंटेलिटी बन जाती है कि ये तो कभी हमारे बात मानेंगे ही नहीं, कितना भी बोल लो कुछ समझेंगे ही नहीं। मतलब दूसरा, इसका जो दूसरा पार्ट है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। सामने वाले को ध्यान से सुनना और खुद को रिप्रेजेंट करना, दोनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत केंद्रित तरीके से जीना इस हैबिट के साथ, मतलब खुद को पहले उसकी जगह पे रखो, वो किस तरह सोचता है, उसका पैराडाइम क्या है, उसके हिसाब से पहले आप सोचो और उसके बाद में जाके आप खुद की प्रस्तुति करो। वो समझेगा ही समझेगा, क्योंकि आप उसके नजरिए से बोल रहे हो, खुद के नजरिए से नहीं बोल रहे हो। अगर आपके पास कोई आके आपके नजरिए के हिसाब से आप जिस तरह सोचते हो, आप जैसा महसूस करते हो, उस तरह आके आपको कुछ समझाएगा तो आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। तो इसमें यही कहा जाता है, सबसे पहले शांति से समझो क्या कौन क्या कह रहा है, उसके पैराडाइम के हिसाब से देखो और उसी के पैराडाइम के हिसाब से उसको समझाओ। ये है पांचवी हैबिट। छठी हैबिट, सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब पता है किसी को? एनीवन? एनर्जी टू एनर्जी इक्वल्स टू गेन। हाँ, एनर्जी टू एनर्जी इक्वल्स टू गेन। ओके, ए प्लस बी इज इक्वल टू मोर देन ए बी, मींस के दोनों का एडिशन से भी ज्यादा। हाँ, मतलब 1+1 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। समथिंग लाइक सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइजिंग। और कोई? सिनर्जी का क्या मतलब है? सिनर्जी का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से लिया जा सकता है और प्रकृति भी इसका सही इस्तेमाल करती है। अगर आप दो प्लांट्स को एक ही जगह पर रख दो जमीन में के पास, तो उन दोनों की जड़ें आपस में ज्वाइंट हो जाती है और इतनी मजबूत से वो दोनों जड़ें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है कि मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो ज्यादा अच्छी तरह हो जाती है और वो दोनों प्लांट्स बहुत अच्छी तरह अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। अगर उनको अलग अलग रखा जाए तो इतनी अच्छी तरह ग्रो नहीं हो पाएंगे। हमारे पास क्या होता है कि 1 Indian = 3 Japanese के बराबर होता है, वो इतना कुछ कर सकता है, लेकिन जैसे 2 Indian मिलते हैं ना समझ गए आप, 2 Indian मिलते हैं तो क्या होता है, एक जापानीज तो रहता ही है लेकिन काम करने की क्षमता कम हो जाती है, और अगर 3 मिलते हैं इंडियंस, ये होता है क्योंकि हम अंदर अंदर ही कभी कभार क्या होता है, अंदर अंदर ही कुछ एक मुद्दे पे काम नहीं कर सकते। मैं मेरी तरह से बराबर हूं, मुझे ये सच्चा लग रहा है, बोल रहा है मैं मुझे ये अच्छा लग रहा है, तीसरा कुछ और बोलेगा, हम एक मत पे नहीं आ सकते। एक मत पे आना, दूसरों को साथ लेकर के चलना और एक उद्देश्य की पूर्ति करना, ये है सिनर्जी। पॉजिटिव वे में ले तो ये है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब रिलेशन में भी होता है। अभी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा है कि एक परिवार है, उसका जो हस्बैंड है, मतलब जो भाई साहब है, वो ये सोचते हैं कि नेक्स्ट छुट्टियों में मुझे मेरे परिवार को लेके कहीं छुट्टियां मनाने जाना है, बराबर, और वो एक जगह रिसोर्ट बुक करवा लेते हैं, वहां पे एक अच्छी झील है तो वहां पे बच्चों को भी मजा आएगा, तो उन ये सब सोचा उन्होंने और अच्छी जगह बुक करवा ली, सब कुछ सेट है, अभी छुट्टी आने वाली है और वहां पे जाना है। उसी टाइम पे क्या होता है कि उसकी जो वाइफ होती है ना, उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, तो अभी उसकी वाइफ ये कहती है कि हमें छुट्टियों पर नहीं जाना, भले रिसोर्ट बुक हो गया कुछ भी हो,
मुझे मेरी मम्मी की जो तबीयत है वो खराब है, तो वहां पे जाना मुझे आवश्यक लग रहा है। अभी जो हस्बैंड है वो ये कह रहा है, लेकिन आपकी एक छोटी बहन है जो उसके नजदीक रहती है, वो अभी वहां पे है, उनकी देख रेख कर रही है, तो वो वहां पे है, तो आवश्यकता नहीं है कि आप भी वहां पे जाओ। हम छुट्टियां पे जा सकते हैं, हमने कब का ये प्लानिंग बना के रखा है, बच्चों के लिए भी, बच्चे भी कब से एक्साइटेड है। लेकिन पति की बात पत्नी नहीं मान रही, पत्नी यही सोच रही है कि नहीं मुझे तो वहां पे जाना ही चाहिए, उनकी हालत नाजुक है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तभी आप क्या सोचोगे, अगर आप दोनों में से कोई एक जगह पे हो गए तो आप सिन्हा जी का यूज किस तरह करोगे, कोई बता सकता है किस तरह करोगे? वाइफ को अपने मदर के पास भेज देंगे और हम छुट्टियों पे चले जाए, बच्चों को लेकर छुट्टियों को। अच्छा, कोई और दूसरा कुछ? बच्चों को समझा के वहां पे उनकी जो अभी मम्मी की तबीयत खराब है वहां पे लेके जाना, एक बहुत अच्छा यहाँ से मुझे ऑप्शन मिला। वाइफ को वहां पे छोड़ के उसकी बहन को लेकर के जाना, वाला बहुत ही क्रिएटिव थिंकिंग है, एक अलग ही लेवल का। प्रोग्राम कोई भी हालत में कैंसिल नहीं होना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए बाहर जाने का। ओके, ये सब में से अगर कोई भी आप एक ऑप्शन पकड़ोगे तो वहां पे कोई एक इंसान दुखी होगा। अगर आप ये कहोगे कि वाइफ को उसकी मम्मी के पास भेज दो और मैं, मतलब अगर आप हस्बैंड की तरह सोच रहे हो, तो मैं बच्चों को लेकर बाहर जाऊंगा जहां पे छुट्टियां मनाने का प्लान है, तो क्या आप इतने खुश रह पाओगे उसके बिना, और क्या वो भी वहां पे इतनी शांति से रह पाएगी? नहीं हो पाएगा। तो सिनर्जी का प्रयोग कैसे करें? सिनर्जी का प्रयोग इस तरह हो सकता है कि हम वहां पे जाए जहां पे उसकी मम्मी रहती है, मतलब उनके पियर में जाए, और वहां पे नजदीक में कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां पे बाहर जा सकता है, मतलब 2-3 दिन वहां पे रुकना, बाहर जाना, बच्चों का घूमना भी हो जाएगा, हमारा प्लान जो डेस्टिनेशन जहां पे था उसे शिफ्ट करके कोई दूसरा डेस्टिनेशन पकड़ना है, ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? और एक ऑप्शन हो सकता है, उसकी मम्मी को भी लेके जाते, उनकी हालत नाजुक है, नहीं तो उनकी मम्मी आ जाती। लेकिन इतना क्रिएटिव वे में सोचना पड़ेगा, अगर सिनर्जाइज रिलेशन के साथ करना है तो इस तरह कर सकते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग और हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलना है। ये हैबिट कहती है कि रिलेशन में भी सिनर्जी का यूज करो। यहां तक किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। शार्पन योर सो, एक आदमी जंगल में जा रहा है और जंगल में दिखता है कि दूसरा एक आदमी है जो पेड़ को कितने टाइम से काट रहा है, और वो पूछ रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, कितने टाइम से आप एक पेड़ को काट रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आपकी जो सो है उसकी धार को तेज कर दो। शार्पन योर सो मतलब जो आपके, आप जिसे काट रहे हो वो जो वो चीज है आरी या कुछ भी बोल सकते हो, उसकी धार को तेज कर दो। वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, 3-4 घंटे तो हो गए, अभी मुझे फटाफट काम बताना है। हम भी अपनी लाइफ में यही करते हैं, हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब क्या, एक होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। आपने वो मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में सबको पता होगा, सोने का अंडा मतलब प्रोडक्शन, और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मतलब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। हम प्रोडक्शन पे ध्यान रखते हैं, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे ध्यान नहीं देते। दोनों के बीच संतुलन बना के हम अगर चलेंगे तो सही मायनों में हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा तरीके का निवेश हम खुद में करें, मतलब फिजिकल लेवल पे करें, माइंड लेवल पे करें, सोशल और इमोशनल लेवल पे करें, और स्पिरिचुअल लेवल में करें। फिजिकल लेवल में हम अच्छी तरह खाते पीते नहीं है, हमारी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है, माइंड के लिए हम अच्छी बुक्स रीड नहीं करते हैं, उल्टा सीधा देखते रहते हैं, और फिर कहते हैं हमारी जिंदगी में कुछ भी बरोबर नहीं चल रहा है, तो कैसे चलेगा? शार्पन योर सो का मतलब है, अगर बाकी के 6 आदतों को आप अच्छी तरह से योग्यता के हिसाब से खुद में उतारना चाहते हो
तो सबसे पहले आप आरी की धार तेज करो, मतलब फिजिकल लेवल को आप एक्टिव रखो, माइंड लेवल को एक्टिव रखो, इमोशनल और सोशल लेवल को और स्पिरिचुअल लेवल को भी। सबसे पहली बात, आप सभी को पता होगा कि एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, कितने लोग करते हैं? ओके, आपको पता है कि बुक्स रीड करना अच्छा है, कितने लोग करते हैं? वेरी गुड। अभी आपको पता है कि रिलेशन अच्छा मेंटेन हो, दूसरों के साथ हमारा रिलेशन अच्छा रहे, बिगड़े ना। तो जब भी ऐसा कोई पॉइंट आता है जहां पर रिलेशन बिगड़ रहा होता है, तो लूज विन की सिचुएशन कितने लोग अप्लाई करते हैं? बहुत अच्छा। स्पिरिचुअल लेवल, 3000 जितने भी लोग थे सक्सेसफुल लोग, इन सब में एक बात कॉमन थी, वो हर रोज अपने सर्जनहार के साथ प्रार्थना के थ्रू नित्य संपर्क में रहते थे। कितने लोग ऐसा कुछ करते हैं? आप मंत्र चैंटिंग करें, भगवान के साथ पूजा करें, मतलब 15-20 मिनट पूरे दिन के निकल के अपने सर्जनहार के साथ प्रार्थना के थ्रू संपर्क करना, इससे आपको जो शक्ति मिलती है, आप में जो ऊर्जा आती है, वो एक अलग ही लेवल पे होती है। सो ये है शार्पन योर सो, मतलब अपनी आरे की धार तेज करना, एक्सरसाइज करना, अच्छी तरीके का जो फूड हैबिट्स है उसे डेवलप करना, बराबर प्रमाण में सोना, ये सब कुछ आ जाता है। माइंड लेवल में आता है कि अच्छी तरीके बुक रीड करो, अगर आप एक वीक में एक बुक रीड करते हैं, अगर आप मंथ में एक बुक रीड करते हैं तो इसे बढ़ाएं, मतलब एक मंथ में एक बुक रीड करते हैं तो अभी वीक में एक करें, अगर एक वीक में एक करते हैं तो एक और भी दो वीक, मतलब एक वीक में दो बुक को रीड करें। तो इस तरह क्या होगा कि हमारा माइंड डेवलप होगा। और एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आपके जो भी विचार है, आपके जो जीवन मूल्य है, आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, सब कुछ राइटिंग में लिखते रहो। जब तक हम पढ़ते थे तब तक तो हम लिखते थे, लेकिन अभी लिखना बंद हो गया है। शायद कुछ लोग तो आदर्श में आके ये बुक्स और पेन देखी होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूं कि रोज कुछ ना कुछ अपनी डायरी में लिखो। यहां से कहा जाता है कि आप अपनी डायरी बनाओ, उसमें कुछ लिखो। तो कितने रोज डायरी में कुछ ना कुछ लिखते हैं, या 2-3 दिन में रोज लिखते रहो, पूरी जिंदगी आप जो भी अपने परिस्थिति से कुछ ना कुछ सबक मिलता होगा हर रोज, कुछ ना कुछ उसको लिखते रहो लाइफ में। लिखने से हमारे दोनों टाइप के ब्रेन एक्टिवेट हो जाती है, कल्पना शक्ति में हम जाएंगे, विवेक हमारा उपयोग होगा, तो सब कुछ करने के बाद हमारा जो माइंड है वो एक्टिव हो जाएगा। फिर आता है सोशल, तो रिलेशन कैसे मेंटेन करना है वो आपको पता चला, और लास्ट में आता है स्पिरिचुअल। इन सबका एक ही उद्देश्य है, जितने भी हैबिट्स आपने अभी तक देखी वो तीन चीजों पे टिकी हुई है, इच्छा, ज्ञान और योग्यता। अगर आप में इच्छा है कुछ करने की, कुछ नया सीखने की, उसके बाद आप ज्ञान अर्जित करोगे और उसी योग्यता के हिसाब से जियोगे। सबसे अंत में मैं कहना चाहूंगा कि सही सिद्धांतों के ऊपर अपने जीवन को केंद्रित करके, अपनी योग्यता और कार्य के बीच संतुलित फोकस रख के, अपनी सशक्ति, अपनी विश्वसनीयता, अपने समाज के लिए उपयोगिता, उसको बढ़ाकर हम एक ऐसा शांतिपूर्ण जीवन का निर्माण कर सकते हैं, खुद के लिए भी और आने वाली हर पीढ़ी के लिए भी। ये करें, इस सही सिद्धांत का उपयोग खुद की लाइफ में करें, सच में आपकी लाइफ बहुत ही बदल सकती है। थैंक यू सो मच। सारा